वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए हाथरस के 9 लोगों की मौत हो गई है। गांव में प्रशासन और साथ ही पुलिस के अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों से बातचीत की और अभी तक 5 लोगों के नाम पता चल पाए हैं। बाकी 4 लोगों के जो नाम है वो पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मझूला और साथ ही मुरसान गांव में मातम पसरा हुआ है, मृतकों के परिजन में कोहराम है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हाथरस की भी तस्वीरें हैं और साथ ही वो तस्वीरें भी आपके सामने जब ये हादसा हुआ था और इसमें 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सबसे बड़ी जिन्हें टीम से कांटेक्ट करेगी जिससे जो भी सच में मदद है वो की जा सके। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम का नंबर शेयर किया है जो हम ट्विटर के माध्यम से और सोशल मीडिया के तथा जो हमारा प्रिंट मीडिया उसके माध्यम से भी सब जगह हम सर्क्यूलेट कर रहे हैं। उसका नंबर 0572227041 और 227042 है। तो इस पे यदि किसी भी व्यक्ति के यहाँ से कोई जम्मू गया हुआ है तो वो फोन करके सूचना दे सकता है या सूचना प्राप्त कर सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुमित शर्मा जुड़ गए हैं। सुमित, एक गांव के रहने वाले, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई है, जाहिर सी बात है कि गांव में मातम पसरा होगा। फिलहाल क्या अपडेट है, क्या बॉडी गांव तक पहुंच गई है और साथ ही जो मरने वाले थे क्या उनके बारे में जानकारी मिल पाई है कि क्या नाम है उनका और कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ही बता दूं, कल दोपहर का ये पूरा मामला है। हाथरस से 28 तारीख के शाम को एक बस निकली थी तीर्थ यात्रा के लिए, जो हाथरस से और अलीगढ़ से होते हुए वहाँ जम्मू यात्रा जा रही थी। हाथरस के भी उसमें 10-12 लोग मौजूद थे बस के अंदर और अलीगढ़ से भी कई लोग गए थे। बड़ी संख्या में बस के अंदर यात्री सवार थे और ये अचानक से अनियंत्रित होकर जो है वहाँ खाई में पलटी है, जिसकी वजह से लगभग 20-22 लोगों की वहाँ मौत हुई है। हाथरस की बात करें तो प्रशासन ने जो हाथरस के 9 लोगों को ट्रेस किया है जिनकी वहाँ मौत हुई है, जिसमें रणवीर सिंह है, हाथरस के रहने वाले हैं, और रेनू है, हाथरस की रहने वाली है, और धर्मवती है, प्राची है, जयप्रकाश है, वीरपाल है, राहुल है, यश और राजू। इनमें से 6 लोग लगभग जो है नगला मझोला गांव के हैं, जो हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र में पड़ता है। बाकी के लोग थाना मुरसान क्षेत्र के गांव राय के हैं। एक बॉडी और फाइंड हुई है जिसको भी प्रशासन ट्रेस कर रहा है। कल हाथरस प्रशासन ने लगभग 2 टीम यहां से जम्मू के लिए रवाना की है, जो वहां पहुंचकर बॉडियों को हैंडओवर करेंगी और यहां उनके परिजनों तक पहुंचाएंगी। फिलहाल परिवार की बात करें तो परिवार में क्या पूरे जनपद में ही कोहराम जैसा माहौल है, गांव में पूरी तरह से परिवार में कोहराम मचा हुआ है पूरे गांव में, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है और दुर्घटना है ये। तो परिवार के लोगों का रो का बुरा हाल है और जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोग परिवार वालों को सांत्वना देते हुए दिखाई दे रहे हैं, घर पहुंच रहे हैं उनके। और बाकी जिला प्रशासन ने इसको लेकर पूरी तैयारी की हुई है और लगभग बॉडी का भी पोस्टमार्टम जम्मू में चल रहा है। जैसे यहाँ से टीम जो कल निकली है वो जम्मू तक पहुंच चुकी है, अभी वो बॉडी को हैंडओवर करेगी और वहां से रवाना होगी, यानी कि जल्द ही बॉडी परिजनों को सौंप दी जाएगी। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका सुमित। जम्मू कश्मीर के अखनूर में हुई बस दुर्घटना में अलीगढ़ के 11 लोगों की मौत हुई है और ग्रामीणों के मुताबिक नया गांव के 45 यात्री बस में सवार थे। आपको बता दें कि टूरिस्ट बस जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी जाते समय अखनूर के टूंगी मोड़ में खाई में जाकर पलट गई और इस दुर्घटना में इगलास के 11 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद में गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुछ गांव की, जहां पर फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है और साथ ही लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि एक ही गांव के 45 से ज़्यादा यात्री बस में सवार थे। अभी हम गांव में आए थे तो यहाँ पर लोगों से हमने नाम पूछा कि कौन कौन किसके परिवार का गया था, तो उन लोगों ने हमको नाम बताए हैं। जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन से हम टच में हैं तो वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्रॉस कंफर्म करके हम लोगों को बता रहे थे। अभी काफ़ी लोगों के नाम की सूची मिली थी जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो हमने सूचित कर दिया उन परिवारों को, जैसे आगे सूचना मिलेगी तो हम सूचित। इस गाँव से कितने लोग हैं मैम? अभी जो गांव वासियों के अनुसार उन्होंने हमें अराउंड 45 लोगों के नाम लिखवाए हैं जो जिनके परिवार के लोग गए हैं।
लखनऊ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। बदमाश राकेश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। जिम मालिक की हत्या की योजना बना रहे थे। बदमाश के कब्जे से तमंचा, बाइक और साथी चिन्हट के मटियारी में ये मुठभेड़ हुई थी। और लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश की गोली लगी और दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बुलंदशहर में पुलिस की गौकशी के आरोपियों के साथ में मुठभेड़ हो गई। फायरिंग के दौरान पैर में गोली लगने से तीन बदमाश घायल हो गए। तीनों का इलाज चल रहा है। मुठभेड़ थाना अरनिया क्षेत्र के मतकोला गांव के जंगल में हुई है। मौके पर लोडर पिकअप, तमंचा और साथी जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। तीनों आरोपी सलमान वाजिद और साथी शाहिद कई बार जेल जा चुके हैं। बुलंदशहर और एटा के अलावा कई जिलों में मामले दर्ज हैं। ISSP बुलंदशहर महोदय के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण किए जा रहे क्रम में आज थाना रनिया की पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि मतकोला के जंगल में कुछ अपराधी मौजूद हैं जो संभवतः गोकशी का काम कर रहे हैं। जिस पर थानाध्यक्ष नेतृत्व में पुलिस टीम मतकोला गाँव पहुँची और वहाँ पर उन्होंने बदमाशों को टोका, जिस पर बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा उनको ललकारने पर पुनः फायर किया गया, जिस पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम ने फायर किया। क्रॉस फायरिंग में तीन बदमाश घायल हुए हैं, जिनके पैरों में गोली लगी है। उन्हें हिरासत में लेकर इलाज हेतु USCSC भेजा गया है। उनसे घायल अवस्था में पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि उन पर, जिसमें से एक बदमाश पर 15,000 का इनाम है और उन पर विभिन्न थानों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। एक अपराधी के बारे में जिसने बताया कि वो लगभग 15 से 20 बार जेल जा चुका है। उन तीनों के आपराधिक इतिहास की जानकारी और छानबीन की जा रही है। नोएडा में पेट्रोल पंप पर मारपीट के मामले में पुलिस ने आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। फरार चल रहे आप विधायक अमानतुल्ला और उसके बेटे अनस और साथी सहयोगी अबू बकर के खिलाफ में पुलिस कुर्की की तैयारी कर रही है। जल्द ही आप विधायक अमानतुल्ला पर इनाम भी घोषित हो सकता है। सेक्टर 95 के पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी की गई थी और पुलिस ने इस मामले में कई धारा बढ़ाई है। उधर जिला कोर्ट ने अमानतुल्ला, उसके बेटे अनस और साथी सहयोगी की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। आरोपियों ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।